डिग्रीज एक से ज्यादा को बोलते हैं ठीक है तो हमारे लेसन के जितने भी वर्ड्स हैं मैं लास्ट टाइम इनको रिपीट कर रही हूँ आप लोग ध्यान से मेरे साथ साथ पढ़ेंगे इन वर्ड्स को इनकी स्पेलिंग को भी और इनके मीनिंग्स को भी हमारा जो पहला वर्ड है दैट इज एप्पल ए पी पी एल ई एप्पल ठीक है आप सारे बच्चे मेरे साथ पढ़ो माइक्स आपकी ऑन नहीं होंगी लेकिन आप लोग पढ़ेंगे ठीक है बच्चा पहला जो वर्ड है हमारे इस लेसन का वो है एप्पल ए पी पी -E, एल ई एप्पल एप्पल हम बोलते हैं सेब को किसको बोलते हैं सेब को आप लोगों ने देखा होगा एप्पल देखा है कि नहीं खाया है कभी ओके okay. फिर जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है दैट इज मड एम यू डी मड मढ हम बोलते हैं मिट्टी को या फिर कीचड़ को या, मिल्स या आ, बोलते हैं हम उसको उर्दू में कीचड़ या फिर मिट्टी ठीक है हमारा जो तीसरा वर्ड है वो है बॉक्स बी ओ एक्स बॉक्स बॉक्स का मतलब क्या होता है डिब्बा यथ इस पर डब छ हम नहीं लाते हैं आजकल सेल फोन छो या शूज uh, वगैरह लाते हैं तो हम किस में लाते हैं वो बॉक्स में लाते हैं उस बॉक्स को क्या बोलते हैं उर्दू में डिब्बा बोलते हैं ठीक है नेक्स्ट वर्ड है स्टोरी एस टी ओ आर वाई फिर से मैं बोलूंगी एस टी ओ आर वाई स्टोरी स्टोरी का मतलब है कहानी क्या है कहानी या तो क्या वना दलील क्या वना दलील ठीक है और उसके बाद है लास्ट वाला टी डब्ल्यू ओ टू टू का मतलब हो गया दो ठीक है तो कितने वर्ड्स थ्री फोर फाइव इस लेसन में हमने फाइव डिफिकल्ट वर्ड्स पढ़े जिनके मैंने आपको बताया कि कैसे उनको प्रोनाउंस करना है कैसे उन वर्ड्स को पढ़ना है और उनका मतलब क्या है ये वर्ड्स आपको याद रखने हैं क्योंकि जब हम फिर लेसन की रीडिंग करेंगे उस टाइम आप नहीं बोलोगे टीचर इसका मतलब क्या है आपको ऑलरेडी मतलब मैंने बता दिया है आपको ये याद रखना है और फिर जब हम लेसन पढ़ेंगे उस टाइम आप वहां से ही बोलोगे कि एप्पल का मतलब होता है सेब का मतलब होता है मिट्टी बॉक्स का मतलब हो गया डिब्बा और स्टोरी का मतलब हो गया कहानी ठीक है बच्चे तो अब मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी जो हमारा ये लेसन है लेसन टू स्टोरीज इसमें हमें करना क्या है इसमें हमें पढ़नी है दो कहानियां क्या पढ़नी है दो कहानियां एक में हम पढ़ेंगे एक में होगा अमित और नेहा दूसरी स्टोरी में होगा राज एंड रीनू ठीक है ए, ये स्टोरी इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे आज के लिए इतना ही आज हमारा इंट्रोडक्शन दिया था तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे ठीक है बच्चे ओके स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज और ये वर्ड्स को आप अच्छे से घर में लर्न करेंगे आप लोग अगर डायरी okay. लिखेंगे तो डायरी में आप लिखेंगे बच्चे आप लोग डायरी में लिखेंगे लर्न वर्ड मीनिंग वो मैं आपको अभी सेंड कर दूंगी ग्रुप में और आप ये लर्न करेंगे आपको लिखना नहीं है इन वर्ड्स को सिर्फ लर्न करना है ठीक है डायरी आप लोगों की क्या रहेगी लर्न वर्ड मीनिंग्स ओके ओके Okay, students. Okay, Allah. Alcohol! Allah. <problem> Allah. 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 Allah.